राजनांदगांव के रेवाडी में, क्योंकि यहां 10 फीट लंबा अजगर सांप मिला है। लगातार यहां अजगर मिलने की शिकायतें आती रहती है। इससे पहले भी 4 से 5 बार अजगर यहां निकल चुका है, यहां के स्थानीय लोगों का कहना है। और देख सकते हैं कि हम खेत में मौजूद है और यहाँ धान लुवाई का काम चल रहा है, तो कुछ महिलाएं भी हैं, देख पा रहे होंगे, वो धान लुवाई कर रहे हैं। इन्हें जब अजगर की सूचना मिली तो इन्होंने सर्प रक्षक को कॉल किया और ये हमारे साथ अभी सर्प रक्षक संजू है हमारे साथ बात करने के लिए। कैसे आपको सूचना मिली? मुझे ये सूचना हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के SDO सर के द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ पे किसी किसान द्वारा कॉल आया था कि यहाँ पे धान लुवाई हो रहा है और एक अजगर सांप बहुत ही बड़ा यहाँ पे दिखाई दिया हुआ है, तो उसे सुरक्षित रूप से आप यहाँ से जंगल में छुड़वाने का कार्य कर दीजिए करके। तो हम यहाँ पे आए हुए थे और अजगर को पकड़ लिया। ये बहुत ही बड़ा अजगर था, लगभग 9.5 से 10 फीट का अजगर था ये। इसको पकड़ लिए हैं, अब इसको हम जाके फॉरेस्ट में रिलीज कर देंगे सुरक्षित। और अक्सर धान लुवाई करते समय ये अजगर वगैरह मिल जाता है, तो वैसे तो ये वेनमस नहीं होता है, नॉन वेनमस होता है, पर खतरा तो इससे भी है। तो सावधानी बरतने की पूरी कोशिश करिए और आप सूचना आप हमें दे सकते हैं अगर कहीं भी आपके घर पे भी सांप निकलता है या कहीं पे भी निकलता है। मारिए नहीं, सांपों को बचाइए, वो भी हमारे खाद्य श्रृंखला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इन्हें भी बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है और अपनी भी सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो हमें कॉल करिए इस नंबर पर और हमें सूचित कीजिए। जी, कितना खतरनाक रहता है जी? अजगर में जहर नहीं होता, ये खतरनाक तो जरूर होता है, लेकिन इसमें अगर ये काटे तो इसके काटने से पॉइजन फैल सकता है और हमें तुरंत इससे टिटनेस का इंजेक्शन या फिर लगा करके या डेटॉल से घाव को धो करके हम सुरक्षित रह सकते हैं, इससे कोई खतरा नहीं होता है। जी जी, और किन मौसमों में ज्यादातर ये केस आते हैं अजगर निकलने के? ये ठंड के समय में ज्यादा आपको मिलेंगे अजगर, बाकी समय कॉमनली मिल सकते हैं, बाकी ठंड में बहुत ज्यादा। 4 से 5 अजगर इससे पहले भी निकल, हाँ इससे पहले बहुत अजगर निकल चुके हैं 4 से 5, लेकिन तुरंत ना पहुंच पाने के कारण वो भाग जाता है तो मिल नहीं पाता है। समय पर पहुंच करके इस बार रेस्क्यू किया गया है तो ये हो गया है। तो ये संजीव है, अगर कहीं भी आपके खेत के आसपास या कहीं भी आपको सांप मिले तो आप इनके नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके नंबर के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दीदी मन खेत धान लो एक काम करा था, कतेक टाइम देखो आजकल? 2 बजे करीबन। कतेक? 2 बजे। कदे कर देखो? वो धान कटाई करा रहे ना तब। अच्छा, तो डर नहीं लगी? डर लगे तभी तो फोन करे ना। ऐसे काय करते? पहले निकल गई नहीं देखी हम। कतेक बड़े रही से? बहुत बड़े। हाँ। अच्छा, इकर से पहले नहीं पता? अच्छा, कौन कौन रहे हो खेत में इतना टाइम? हम दोनों जा रहे हो? हाँ। अच्छा, कौन ला सूचना करे हो? हम घर वाले ला। अच्छा, घर वाले सूचना करे हो। हाँ। का नाम है तो? मोर रेखावटी। अच्छा, रेखावटी। और सांप आप निकल थे? हाँ। अच्छा, निकला थे? अच्छा, ठीक।